साल 2000 में ऋतिक रोशन की पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज होती है और साल 2000 में ही बॉलीवुड के कई सारे स्टार किड्स बॉलीवुड में कदम रखते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन जैसी कामयाबी किसी और स्टार किड्स को नहीं मिल पाता है। अपनी पहली डेब्यू फिल्म के सफल होने के बाद ऋतिक रोशन अपने लंबे समय की गर्लफ्रेंड सुजैन खान को अपना बना लेते हैं और साल 2000 में ही शादी करने के बाद ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। आने वाले समय में ऋतिक और सुजैन की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, क्योंकि जिस किसी भी पार्टी में दोनों चले जाते थे उस पार्टी के शान और शौकत बन जाते थे और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस शादी के लिए ऋतिक रोशन ने बचपन से इंतजार किया, वो शादी 14 साल में क्यों खत्म हो गई। तो आइए जानते हैं ऋतिक रोशन और सुजैन खान की शादी की सच्चाई। अब एक तरफ जैसे आप सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राकेश रोशन के बेटे हैं। अब कई सालों तक एक्टिंग के गुर सीखने के बाद ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम साल 2000 में रखा था और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय खान की बेटी है, यानी सुजैन खान की परवरिश एक अच्छे घर में हुई। सुजैन खान चार भाई बहन है और उनमें से सुजैन खान तीसरे नंबर पर आती है। और उनके भाई जायद खान की बात करें तो इनको आपने मैं हूं ना फिल्म में देखा ही होगा। इनका सिक्का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भले ना चल सका हो, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बात करें ऋतिक रोशन के साथ इनके रिलेशन की, तो ऋतिक और सुजैन एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और बचपन से ऋतिक का दिल सुजैन पर आ गया था और वो उससे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी जल्दीबाजी में नहीं हो सकती थी। ऋतिक का सपना था कि वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आकर एक नाम और शोहरत वाले जिंदगी बिताए और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। सन 2000 में राकेश रोशन ने जब अपनी बेटे ऋतिक रोशन को लेकर कहो ना प्यार जैसी बड़ी फिल्म का निर्माण किया तो इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन ने मौका नहीं गंवाया और उन्होंने बहुत ही कम समय में सुजैन खान से शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में सुजैन को ऋतिक से थोड़ी बहुत तकलीफ होने लगी और ये तकलीफ थी उनके अफेयर के किस्सों को लेकर। बताया जाता है कि पहली फिल्म के सुपर हिट होते ही वो बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों में से एक बन गए थे और उस समय की कई सारी अभिनेत्रियों के साथ उनकी फिल्में आनी थी और उन्हीं में से एक थी करीना कपूर। करीना कपूर उस समय की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी। ऋतिक के साथ उन्होंने कभी खुशी कभी गम और मैं प्रेम की दीवानी हूं जैसी फिल्में कर चुकी थीं, लेकिन इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान करीना कपूर का नाम ऋतिक रोशन के साथ जोड़ा गया और इन्हीं खबरों की वजह से सुजैन खान को काफी सारी दिक्कत होने लगी थी। यहां तक बताया गया कि सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से ये भी कह दिया था कि अब कभी भी करीना के साथ काम आप नहीं करेंगे और ऋतिक ने भी अपनी शादी को बचाने के लिए ऐसा ही किया। बाद में बताया जाता है कि ऋतिक ने करीना के साथ जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले थे उन सभी प्रोजेक्ट को उन्होंने ना कर दिया। लेकिन ये मामला यही थमने वाला नहीं था। साल 2010 में ऋतिक रोशन की होम प्रोडक्शन फिल्म काइट्स तो आपने जरूर देखी होगी और उस फिल्म की मशहूर अदाकारा बारबरा मोरी को भी आपने जरूर देखा होगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने बारबरा मोरी के साथ कई सारे हॉट सीन भी दिए थे और इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन का नाम फिल्म के लीड एक्ट्रेस बारबरा मोरी के साथ भी जोड़ा गया था और एक बार फिर से सुजैन खान को इस बात से काफी बुरा लगा। अब पत्नी के रवैये से वाकिफ ऋतिक रोशन ने एक बार फिर से इस मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन जब बात कंगना रनौत की आई तो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। कंगना रनौत के साथ जब ऋतिक रोशन के अफेयर के किस्से काफी ज्यादा वायरल हुए तो 2014 में अभिनेता ऋतिक रोशन ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट उनके फैंस का दिल तोड़ने के लिए काफी था। इस ट्वीट में वो अपने तलाक के बारे में बताते हैं। तलाक की बातें बताते हुए ऋतिक रोशन ने कई सारी बातों का जिक्र किया। ये सभी बातों को पढ़ने के बाद सभी लोगों को अंदाजा लगा कि तलाक सुजैन खान की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन खान भले ही अलग हो गए हों, लेकिन अर्जुन रामपाल के साथ जब सुजैन खान का नाम जोड़ा गया था तब चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया।
अभिनेता अर्जुन रामपाल की बात करें तो जबलपुर में मिलिट्री परिवार में जन्मे अर्जुन ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और अर्जुन के साथ उनके करियर के तमाम उपलब्धियों के साथ एक इल्जाम हमेशा लगता रहा है, अपने दोस्त के घर को तोड़ देने का। अर्जुन रामपाल फिल्मों में आने से पहले शादी कर चुके थे। उन्होंने 1988 में मॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी। उनकी दो बेटियां भी हैं। सुजैन खान की अर्जुन रामपाल से दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये दोस्ती काफी पुरानी थी। ऋतिक और अर्जुन के बीच में काफी अच्छे रिश्ते भी थे, तो वहीं अर्जुन और सुजैन की नजदीकियों के कारण ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में दरार आ गई। तलाक भी हो गया था और ऋतिक की शादी टूटने की वजह अर्जुन को ठहराया जा रहा था और इस बात को ज्यादा हवा तब मिली जब खुद अर्जुन रामपाल की पत्नी मेहर से अलग होने की बात सामने आई। तब लोगों को लगा कि शायद मेहर जेसिया से तलाक लेने के बाद सुजैन खान के साथ वो शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि ऋतिक रोशन के रिश्ते हमेशा से अर्जुन रामपाल के साथ काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन सुजैन खान की दोस्ती अर्जुन रामपाल से ड्रग कनेक्शन की वजह से हुई थी। बताया जाता है कि अर्जुन रामपाल और सुजैन खान एक साथ मिलकर खूब ड्रग्स लिया करते थे और उस वजह से इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई, लेकिन इन सभी बातों पर कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हालांकि 2014 में इन सभी आरोपों के बाद ऋतिक रोशन अपने जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान भले ही अपने पति ऋतिक रोशन को तलाक दे दी थी, लेकिन वो हमेशा से ही ऋतिक को सपोर्ट करती थी। जी हाँ, जिसका हमें कई बार सबूत भी देखने को मिला है। बताया जाता है कि ऋतिक का तलाक होने के बाद कंगना रनौत उनके सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी और कंगना ने ढेरों सारे इल्जाम ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन पर लगाए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि ऋतिक रोशन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी सुजैन खान को अपने पास रख सकें और वो अभी भी अपने पिता राकेश रोशन पर ही निर्भर हैं। और इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए सुजैन खान ने कंगना रनौत के सभी इल्जामों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। जैसा भी हो, लेकिन ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान ऋतिक को बराबर सपोर्ट करती रहती थी, तो वहीं ऋतिक रोशन तलाक लेने के बाद इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। उनका नाम है सबा आजाद। इनके भी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। करण जौहर के बर्थडे पार्टी के दौरान सबा आजाद और ऋतिक रोशन को एक साथ स्पॉट किया गया था, तभी इन दोनों के लव अफेयर के किस्से पर पक्की मुहर लग गई। तो वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो लग रहा है कि सुजैन खान अब आने वाले समय में अपना घर भी बसा लें। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुजैन खान की नजदीकियां अली गोनी के भाई के साथ बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ऋतिक और सुजैन खान तलाक के पीछे एक और विवाद भी देखने को मिला। बताया जाता है कि ऋतिक रोशन ने एलिमनी के रूप में अपनी पत्नी सुजैन खान को करीब 400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन बात नहीं बन पाई तो ऋतिक रोशन ने यह मामला 380 करोड़ में निपटा दिया और कहा यह भी गया था कि बॉलीवुड के सबसे महंगा तलाक था। खैर, इन सभी बातों पर ऋतिक ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने बताया था कि ये सारी ही बातें महज अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।